तो दोस्तों नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक्टर एस में आपका वेलकम है। दोस्तों आप लोग बस वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। भाइयों हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, क्योंकि आज का ट्यूटोरियल जो मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल है। वीडियो देख के आपको एकदम मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि इंसान से शेष नांग कैसे बने। तो उसका पूरा ट्यूटोरियल आज मैं एडिट करके बताने वाला हूँ, वो भी काइंड मास्टर के जरिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मेरा काइंड मास्टर आप देख ही रहे हैं, मेरा ओपन है। मैंने यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला एक वीडियो शूट करना है, नागिन वाला जो आपको स्टेप इस तरीके से वीडियो शूट कर लेना है। उसके बाद आपको इसी जगह का एक खाली बैकग्राउंड भी ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है। और तीसरा काम आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप वीडियो को लेके आते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर मीडिया दिखाई दे रहा है, ये मीडिया पे जब आप क्लिक करेंगे तब आप जो पहला लेयर में जो वीडियो आएगा वो फर्स्ट मीडिया पे क्लिक करने के बाद आता है। दूसरा वीडियो जब आप इसी वीडियो में लेके आएंगे तो आप लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन आपको लेयर में भी मिलता है। जब आप लेयर वाले मीडिया पर क्लिक करेंगे तो ये सेकेंड लेयर में आपका जो भी आप वीडियो को एडिट करेंगे, यहाँ पे मिक्स करेंगे, वो आपको सेकंड लेयर में दिखाई देगा। यहाँ से इफेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है, आपको बहुत सारे इफेक्ट भी मिल जाएंगे, स्टिकर वगैरह भी आपको बहुत यहाँ पे मिल जाते हैं, टैक्स वगैरह आप कुछ भी लिख के डालना चाहें टैक्स डाल सकते हैं। किसी को भी आप पेंसिंग के माध्यम से अगर आप किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं तो आप हार्ड राइटिंग पे भी आप क्लिक करके यहाँ से बता सकते हैं। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, देखिए आपने मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी शूट हो जाता है, तो उसको कटिंग करने के लिए आप इसी जैसे वीडियो में इस पे आपको मुझे कटिंग करनी है तो आप ये सीजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट, स्प्लिट, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। आप ट्रिम लेफ्ट वाला हिस्सा कट करना चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट वाला करना चाहें तो राइट कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो की कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो की ये कटिंग करके रखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा जो सीन यहाँ पे जो नागिन वाला जो बैठने वाला आया है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैप्चर लेना है। तो कैप्चर लेने के लिए आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्टेप से, तो यहाँ पे आपको कैप्चर का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, ये कैप्चर वाला ऑप्शन है, इस पर आप कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर एंड सेव। यहाँ पे कैप्चर एंड सेव पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कैप्चर हो जाता है। अब ये कैप्चर होने के बाद आपको यहाँ पे PNG फाइल बनानी है अपने फ़ोटो की, जो आपने कैप्चर लिया उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो वो आप कहाँ से करेंगे, उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाइए, गूगल में जाइए, आप वहाँ पे रिमूव PG सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक साइट आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको बैकग्राउंड फ़ोटो का रिमूव करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप अपने ईजी अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अपना एक बैकग्राउंड रिमूव करके पहले से रखा हुआ है अपने कैप्चर का, तो मैं लेयर पे क्लिक करूँगा दोस्तों, लेयर पे करने वाला मीडिया पे क्लिक करूँगा, मीडिया पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अपने कैप्चर को मैं यहाँ लेके आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाउनलोड वाली फाइल में जाऊँगा जो मैंने कैप्चर यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये कैप्चर लेके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे आपको इस कैप्चर को इस फोटो के साथ आपको मैच करना है, बिल्कुल फोटो के साथ जब मैच करेंगे तो आप इसी कैप्चर वाले पे क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे ऊपर स्क्रीन साइड से और इसको इस तरीके से बराबर कर देंगे तो आपका ये जो कैप्चर है वो आपका यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि ये देखो डुप्लीकेट लग रहा है, देखो डबल डबल दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले इसको एडजस्ट करूँगा बिल्कुल अपने पहले वाले फ़ोटो के साथ। अब ये मेरा एडजस्ट हो चुका है तो मैं अब यहाँ पे करूँगा वीडियो की लेंथ बिल्कुल इसके पीछे लेके जाऊँगा दोस्तों, जिससे कि ये ना लगे कि ये डुप्लीकेट वीडियो है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल मिला लिया है, इस तरीके से ये बिल्कुल मेरा मैच कर गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफेक्ट डालने के लिए अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इस वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा हमें छोटा करना है स्टेप से। जितना आप छोटा करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपका इफेक्ट काम करने वाला है। अब इफेक्ट डालने के लिए आपको क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ आपको चाबी का भी ऑप्शन मिलता है, चाबी के ऑप्शन पर जो आप क्लिक करोगे तो ये आपका
इफेक्ट लगना शुरू होगा, लेकिन इफेक्ट ऐसे नहीं लगता, उसको लगाना पड़ता है। जैसे आपने चाबी पे क्लिक किया, फिर आपको उंगली की मदद से इस वीडियो की एंड तक आपको इस तरीके से जाना है और इस वाले चीज को आपको फिर इस तरीके से छोटा कर देना है इसी जगह पे। यहाँ से आप छोटा करते चले जाइए, बिल्कुल इसको छोटा कर दीजिए और उसी जगह पे लेके आ जाइए जहाँ पे आपका पहले वीडियो था। अब आप जब इस तरीके से जब आप चेक करोगे तो ये आपका इफेक्ट लग गया है दोस्तों। अब दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ पे लाइट वाला डाल रखा था, तो लाइट वाला इफेक्ट हम कहाँ से लेके आएंगे, वो भी हमको यूट्यूब से मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्रोम ब्राउजर में सर्च करिए ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट लाइट इफेक्ट, तो आपको बहुत सारे लाइट इफेक्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब मैंने इजीली यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं मीडिया में जाऊँगा, लेयर पे जाके मीडिया पे क्लिक करूँगा और वो मैं इफेक्ट यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे ही मैं ये इफेक्ट यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखिए इफेक्ट में ये बहुत ज़्यादा लंबा इफेक्ट है, तो मैं इसमें कटिंग करके निकालने वाला हूँ। तो वो कैसे निकालना है, अब देखिए यहाँ से मेरा इफेक्ट शुरू नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है मेरा इफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से इतना कट कर दूंगा। तो कट करने के लिए क्या करना है, सीधे इसी पे क्लिक करना है, सीजर में जाना है और ट्रिम लेफ्ट कर देना है, तो आपका लेफ्ट वाला हिस्सा कट के बाहर आ जाएगा। और इसी वीडियो पे जब आप इसको दबा के रखेंगे उंगली की मदद से, इस तरीके से आपको आगे की ओर बढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे मैच करना है। अब यहाँ पे जैसे ही मेरा रोल ख़त्म होता है, ये मेरा सीन यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से ही मुझको बिल्कुल इससे मैच करना है, इसको इस टाइप से मैच कर देना है। अब इसमें जो ग्रीन स्क्रीन आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, क्रोमा की में आप जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जैसे इसको इनेबल करेंगे ये आपका क्रोमा की रिमूव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि ये हमारा ग्रीनपन जो है कम दिखाई दे, तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा इफेक्ट इसमें और डालना है, उसके लिए आपको जाना है दोस्तों कहाँ पे, एडजस्ट मेन पे। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है जिससे कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और यहाँ पे आप इसकी थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब इसको जैसा आपको रखना है वैसे आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी यहाँ से एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे इसको यहाँ पे मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि क्रोमा की में अब यहाँ से मेरा थोड़ा एडजस्ट कम हुआ है, तो मैं यहाँ से क्रोमा की में थोड़ा चला जाऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिला लेता हूँ, इस टाइप से यहाँ से मिला लेता हूँ। चलिए दोस्तों बाकी आप इसको यहाँ से एडजस्ट पे जाके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा समय ना लेते हुए आपका इसको इस थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे इसको लेके आऊँगा बिल्कुल यहाँ पे। अब मैं इसको एक बार जब प्ले करके देखता हूँ तो कुछ इस तरकीब से हमारा दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए ग्रीन पर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना इसको अच्छे से, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आपका ग्रीन पर्न थोड़ा आपका कम हो जाएगा, और जितना आप इसको और बढ़िया एडजस्ट करेंगे उतना ही आपका ये अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, चलो मैं अब इसको इतना ही रहने देता हूँ जिससे आपको भी ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना हो। तो ये अभी जो थोड़ा सा जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने इसको पूरा एडजस्ट करके नहीं दिखाया हमें, तो हम इसको एडजस्ट करके दिखा देते हैं आपको, इस टाइप से थोड़ा सा दिखा देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, तो अब थोड़ा देखने में हमारा ये अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा अब देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं अब क्या करूँगा, अब जैसे इसकी जो है इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है मुझे, यहाँ से अब आगे का हिस्सा जो है कट कर देना है, इसका ट्रिम राइट कर दूंगा मैं, तो आगे का हिस्सा मेरा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे लेके आना है नांग वाला इफेक्ट, तो नांग वाले के वो भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है दोस्तों, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। तो मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाता हूँ और ये जो मैंने कर रखा है इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब ये मेरा यहाँ पे आ गया है, तो मुझे इसका भी क्रोमा की को रिमूव करना है, तो क्रोमा की में चले जाना है और इनेबल कर देना है, इसका क्रोमा की जो है रिमूव हो जाएगा
और इसको आप हल्के से इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेना, इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन वीडियो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, इस टाइप से यहाँ पे इसको छोड़ेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको छोटा कर लेंगे दोस्तों, इस वीडियो को हम बिल्कुल छोटा कर लेंगे क्योंकि हमें इसको बड़ा करते हुए दिखाना है। तो छोटा करने के लिए हम इसको इसकी तीर पे उंगली की मदद से इस तरफ से छोटा करते हुए जाएंगे और इसको इसी साइज पे लेके आएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे और इसको इस तरकीब से छोटा कर देंगे और इसको हम उंगली की मदद से यहाँ पे बिल्कुल मैच कर लेंगे, जिससे कि ये लगे कि हमारा जो है बिल्कुल यहाँ से निकल के आ रहा है। तो हमने ये मैच कर लिया। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को जहाँ तक दिखाना है तो हम यहाँ पे थोड़ा कट कर देंगे वीडियो को पीछे का हिस्सा, हम इसको इसका ट्रिम राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हम वो चाबी वाला इफेक्ट डालेंगे, चाबी पे क्लिक करेंगे और वीडियो की लेंथ को यहाँ तक लेके आएंगे और इसको हम बड़ा करते हुए इस तरीके से लेके आएंगे, इस तरीके से बड़ा करेंगे और इसको उसी जगह पर लेके जाएंगे और इस तरकीब से और बड़ा करेंगे, उसको हम फिर वहीं लेके जाएंगे और इसको हम बड़ा करते जाएंगे इस तरकीब से, इसको हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसको जब प्ले करके देखेंगे तो हमारा जो है इस टाइप से वीडियो दिखाई देगा। पूरा वीडियो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो हम कैसा ये वीडियो बन के तैयार हुआ है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल सही सटीक यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा लाइटिंग जो है पहले गायब हो जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी लाइटिंग के साथ ही दिखाई देगा। अब देखिए हमारा लाइटिंग के साथ ही दिखाई दे रहा है। अब दूसरा क्या काम करना है, यहाँ पे एक बार हमें क्या करना है, इस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट हमको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। जैसे ये हमारा थोड़ा बहुत भद्दा दिखाई दे रहा है तो हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ये आप इसको जिसमें आप देखने में अच्छा लगे। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे एक नागिन वाला सॉन्ग भी डाल रखा है, तो नागिन वाला सॉन्ग कहाँ से मिलना है वो भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। तो आपको लेयर में जाके मीडिया में जाना है, मैंने यूट्यूब से उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फाइल में जाऊँगा और उसको दोबारा से यहाँ लेके आ जाता हूँ। अब जैसी दोस्तों ये मेरा यहाँ पे आ गया, अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे जो है, यहाँ से मुझे क्या करना है, इसका जो है ऑडियो निकालना है। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, इसका ऑडियो निकल के यहाँ पे देखिए नीचे आ चुका है। अब इसको जब आप प्ले करेंगे तो आपका ऑडियो भी लग गया है दोस्तों। तो फाइनली ये वीडियो आपका कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आप, वीडियो फाइनली बनके तैयार हो गया है, तो अब इसके लिए आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ से आइकन मिलेगा और यहाँ पे आपको सेव कर देंगे तो आपका वीडियो बनके सेव हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।